हिंदू ही हैं पहले से और उनको इस बात पे गर्व भी है। और जो सनातन है, सनातन का मतलब ये है जो सदा सदा से है, ना किसी ने बनाया हो और ना वो कभी ख़त्म होगा। और धर्म कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी पैदा होगी कि पंथ और धर्म को या संप्रदाय और धर्म को या मजहब और धर्म को इकट्ठा करना, वो एक पूजा पत्ती है। धर्म तो कर्तव्य है, जो कर्तव्य मेरे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वो जो सारे कर्तव्य हैं वो धर्म है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म वो है, और जो सनातन है वो धर्म है, वो कोई पंथ या पूजा पत्ती नहीं है। जो हमारे कर्तव्य है उसका अनुसरण करें, उस पर काम करें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो उल्ट सुलट बयान देते हैं कि सनातन खत्म कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप इस तरह के लोग नहीं हैं कि धर्म के बारे में चर्चा की। लेकिन दुनिया जो है वो आज सनातन की हो गई। देखिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस आयोजन को पूरा किया और जिस प्रकार से दुनिया में भारत का जो है प्रभुत्व बढ़ा, उसकी साख बढ़ी, वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ है। और पूरी दुनिया ने भारत को बहुत महत्व दिया, और सभी जो बड़े देश हैं वो लोग आए और उन्होंने बहुत से समझौते भी इस दौरान किए। नहीं देखिए, उनको जहाँ बुलाया जाता है वो आते नहीं है। अभी जो एक देश एक चुनाव के बारे में उनके नेता को हमने बुलाया था, जो संसद में पार्लियामेंट में उनका अभिनंदन चौधरी जी, उनको बुलाया। अब उसने इस्तीफा दे दिया और बाद में लगे कहने जी आपने खड़गे को नहीं बुलाया। खड़गे तो भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, पार्लियामेंट में खड़गे कुछ नहीं है, वहाँ आपका नेता जो है सदन में जो नेता है वो अभिनंदन चौधरी, हमने अभिनंदन चौधरी को बुलाया उसमें। तो ऐसे ही जहाँ ऐसा नहीं है कि उनको बुलाया नहीं, बुलाया उनको भी, लेकिन उनका एक ही मुख्यमंत्री आया, बाकी मुख्यमंत्री वहाँ आए।